दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। अभी आपने खबर सुनी होगी, सेक्टर 91 में बाबा साहेब की प्रतिमा को विखंडित किया गया था। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो सुमित गौड़ हैं और तमाम समाज सेवी हैं और समाज के लोग हैं, ये कार्रवाई के लिए यहां पर आए हुए हैं और ज्ञापन देंगे, उसके बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी करेंगे। बाकी की जानकारी इन्हीं लोगों से लेंगे, कहां पर वो प्रतिमा थी, किन लोगों ने विखंडित किया था, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है, और हर चीज की जानकारी हासिल करेंगे। ये भी बातचीत करेंगे कि पुलिस ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज की है या नहीं, हर चीज की जानकारी आपको देंगे। डीसी ऑफिस के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए हैं। मूर्ति खंडित कर रखी है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, नहीं लगाई गई, क्या बोलेंगे, क्या मांग है? देखिए, हम साफ तौर पर बता देना चाहते हैं, सभी समाज के लोग प्रशासन से मिले, स्थानीय नेताओं से मिले, तो लेकिन जैसे कि आपने हमेशा देखा है, स्थानीय प्रशासन और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अपनी मस्ती में मस्त है, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। केवल और केवल झूठे वादे करने में ये लोग माहिर हैं। ये सभी समाज के लोग, हम कोई किसी पार्टी के पक्ष से नहीं है, ये सभी समाज के लोग हैं। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी सभी समाज के लिए एक दिशा स्रोत हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं और संविधान के निर्माता भी हैं। तो देखिए, ऐसे में आप जैसे आप सबको मालूम है कि सेक्टर 91A में सेतपुर भगवानपुर रोड पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित किया गया, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है फरीदाबाद जिले में। इससे पहले भी एक दो बार इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसका लेके हमेशा से ही उन लोगों की अपेक्षा की गई है और समाज के सभी लोगों ने, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे सर समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर आवाज उठाई है। आज उसी तर्ज पे अब देखिए, सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, विनोद चौधरी जी हैं, हमारे बाबूलाल रवि जी हैं, अपने अनिल कुमार नेताजी हैं, अशोक रावल जी हैं हमारे, तो सभी समाज के सभी लोग आए हुए हैं, कोई किसी पार्टी प्रेस की बात नहीं है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आप मूर्ति का बिल बना के लाइए और एक एस्टिमेट बनवा के लाइए, जो होगा सरकार पे करेगी और 24 घंटे के अंदर करा देंगी। सभी समाज के लोग सब इकट्ठे होकर गए, इन्होंने उसका मूर्ति का एक एस्टिमेट बनवाया, 2,36,000 समथिंग का वो दिया गया। तो जवाब क्या मिला आप हैरान करेंगे। कल तो ये कहा गया कि जो भी खर्चा आएगा, हमने केंद्रीय मंत्री से भी बात कर ली है, हमने स्थानीय विधायकों से भी बात कर ली है, सब हम करा के देंगे, 24 घंटे में करा के देंगे। आज जैसी समाज के लोगों ने अधिकारियों के समक्ष वो एस्टिमेट रखा तो वो एकदम कहने लग गए और क्या कहते हैं कि आप यहां से बनवा लो, वहां से बना लो, 30-35 हज़ार तक की मूर्ति बन जाती है। देखिए, इनकी तो ये मांग है, जितनी अच्छी मूर्ति हमारे पहले थी उसी की जैसी मूर्ति बननी चाहिए। कोई इन्होंने ये नहीं कहा कि उसमें कि सोने चांदी की परत चढ़ा के दें। इन्होंने समाज के लिए एक आवाज उठाई है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने आज जब जाके मिले तो आज और कल में, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सबके रवैये बदल गए। कल जब इन्होंने कहा, बात रखी, तो प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर करवाने को कहा और आज एकदम बदल गए। तो देखिए साहब, आपके माध्यम से हम चेता देना चाहते हैं इस जिला प्रशासन को, इस बीजेपी के नेताओं को, अगर अगले 24 घंटे में इनकी मूर्ति के लिए सारे फंड्स का अरेंजमेंट और सब कुछ, अगर कोई अगर सही कदम नहीं उठाया गया प्रशासन की तरफ से, तो इस समाज के साथ, दलित समाज के साथ, खाली दलित समाज नहीं, पूरा फरीदाबाद के 36 बिरादरी, सभी धर्म, सभी समाज के लोग मिलकर हम लोग प्रोटेस्ट करने से भी नहीं झिझकेंगे। जहां भी सब लोग हमें समाज के कहेंगे, हम लोग वहां इकट्ठा होंगे और जिला प्रशासन ने अगर कोई सुनवाई नहीं करी तो पुरजोर उसका विरोध करेंगे। साफ तौर पर कार्रवाई हुई सर? हाँ जी, कानूनी कार्रवाई हुई, अभी तक FIR दर्ज हुई है। लेकिन देखिए, FIR में मेन लोग तो नहीं मिले ना, जिन्होंने पढ़ा उनको तो नहीं पकड़ा, ना तो कल्प्रिट पकड़े गए और ना ही मूर्ति के लिए फंड्स का अरेंजमेंट किया गया। तो क्या करा जा रहा है भाई? दलित समाज है, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, ये तो एक मूर्ति की स्थापना द्वारा से मांग रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा पाबंद की जाए। बार बार दलित समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाई जाती है फरीदाबाद क्षेत्र में? क्या दलित व्यक्ति नहीं है? क्या दलित समाज में नहीं आता? सरकार के पास गए और सरकार से मांग की कि बाबा साहब की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की भव्य मूर्ति लगाने का काम किया जाए। उस वक्त समाज को देखते हुए शायद प्रशासन सकते में आ गया और कहा कि नहीं, आप मीटिंग बनाइए, 5 आदमियों की कमेटी बनाइए, आप हमसे मिलने के लिए आइए, आप हमें प्रस्ताव दीजिए, मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हम अपने हाथ से लगाएंगे।
भाई दलित समाज को कोई ऐतराज नहीं है। मंत्री जी लगाए, सरकार लगाए, आप लगाए, कोई भी लगाए, मगर महामानव की मूर्ति लगनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। विनोद चौधरी जी, हाँ, FIR नंबर बताइए और क्या कार्रवाई हुई है बताइए। सबसे पहले तो 18 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि बाबा साहब की जो मूर्ति है, आदमकद जो मूर्ति है, वो तोड़ दी गई है। मैंने CP साहब को फोन किया, CP आए और मुआयना किया। मुआयने के बाद 3 घंटे में उन्होंने FIR दर्ज कर ली और SDM साहब से उन्होंने हमारा टाइम लिया। कल हम लोग कम से कम 50 लोग प्रतिनिधि मंडल वहां पर मिला जाके, और SDM साहब ने आश्वासन दिया कि आप ये हमें एस्टिमेट दीजिए और कल तक हम इसका काम कर देंगे। जब हम आज 10 लोग 11 लोग वहां पर गए और मिस पूरे का पूरा एस्टिमेशन दिया हमने, हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमें शाम तक का वक्त दीजिए। तो ये ढिलमिल, ये जो प्रशासन का ढिलमुख जो तरीका है, जो रवैया है, वो हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा रोष है। और कल 24 घंटे में अगर ये मूर्ति नहीं लगाई जाती है प्रशासन द्वारा, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, अरेस्टिंग आई हुई है आपको कहना, अरेस्टिंग भी होनी चाहिए। और जो भी कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगनी चाहिए और जल्द से जल्द 24 घंटे में लगनी चाहिए, इन सब की यही मांग है। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए, प्रशासन से मिले हैं और प्रशासन को सीधा सीधा इन्होंने वार्निंग दे दी है कि फटाफट कार्रवाई हो और फटाफट मूर्ति लगवाई जाए और फटाफट कानूनी कार्रवाई हो, इन सब की यही मांग है। बाकी आपको कोई भी अपडेट होगी, प्रशासन कोई भी कार्रवाई करेगा, जब भी नई मूर्ति लग जाएगी आपको जरूर बताया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा मामले का। और ये मामला जो कह रहे हैं फरीदाबाद सेक्टर 91A का है, अगवानपुर के आसपास का मामला है, जल्द ही मूर्ति लगाई जानी चाहिए, सबकी यही मांग है। फरीदाबाद न्यूज से, हाँ जी, हाँ बताइए क्या कहना है, क्या नाम है आप? मेरा नाम जीतपाल है और मैं भीमारमी में जिला सचिव हूँ। और हमने कल भी DC साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, पूरे देश में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का काम करते हैं। जब से BJP की सरकार आई है 2014 के बाद, इस मामले की बात बताइए आप, बस क्या मांगे? वही बता रहा हूँ, 2014 के बाद में बाबा साहब की मूर्तियों का टूटने का सिलसिला चालू हो जाता है। यानी इस मामले में क्या मांगे सर? इस मामले में हमारी ये मांग है, एक तो है जो जो बाबा साहब का भवन है उसके चारों तरफ है जो बाउंड्री होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और वहाँ पर है जो CCTV कैमरे होने चाहिए, और बाबा साहब की जो मूर्ति है उसका है जो या तो सुरक्षा घेरा होना चाहिए, सुरक्षा घेरा हो, बाउंड्री हो और अच्छी मूर्ति हो, मजबूत मूर्ति, जो असामाजिक तत्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक वहाँ पर जो अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाया जाए, वहाँ पर डिस्पेंसरी लगाई हुई है, दुकान लगाई हुई है, किसके कहने पर लगाई हुई है, तो वो सारे जो भी इलीगल काम है वो हटने चाहिए। और नहीं तो भीम आर्मी है, वो सब तरह से जानती है बाबा साहब के जो संविधान के अकॉर्डिंग वो काम करती है, वो नहीं तो जिस दिन हमने संविधान को मत तोड़ना, संविधान का पालन करना और प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगा तो ये इनका जो आंदोलन का उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, आंदोलन नहीं हो पाएगा और ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे, बस यही बताना है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।